हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज जो है ना, मतलब अभी तो और कल महालया है और आज मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है। इसमें मेरा दो साड़ी, तो इसमें ना मेरा दो साड़ी है व्हाइट कलर का। एक मैं पहनने वाली हूँ अष्टमी के दिन, एक पहनने वाली हूँ विजया के दिन। तो चलिए अभी पहले इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, क्योंकि काटा कुटा कुछ रहेगा तो फिर ओपनिंग वीडियो देना होगा। पहले ओपनिंग वीडियो बनाते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है? तो चलिए पहले कर लेते ओपनिंग वीडियो। तो चलिए, मैंने कर लिया है अनबॉक्सिंग। जो दो साड़ी अभी आया था और मेरे हाथ में है बस सात दिन के अंदर ब्लाउज बनेगा या नहीं मुझे नहीं पता। तो आप लोगों को साड़ी मैं पहले दिखाती हूँ कि कौन कौन सा साड़ी अभी आया है, उसके बाद खोल के दिखाऊंगी वन बाय वन कैसे कौन सा मैं ली। तो एक मैंने लिया है, अभी ये खुल गया है, ये देखिए पटोला, ठीक है, ये पटोला। बाद में डिटेल्स मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। एंड और एक है आपका ये साड़ी, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, मतलब कितना चल रहा है एफबी में, तो इसका मतलब पागल की तरह लोग इसका मतलब फोटो पोस्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और फाइनली मैंने भी ले लिया है ये वाला, ठीक है। तो दिखाऊंगी अभी आप लोगों को, उससे पहले मैं दिखाऊं सबसे पहले मैंने कौन सा साड़ी परचेस की, उसके बाद वन बाय वन करके बाकी दिखाऊंगी, ठीक है। और अभी भी एक जिमी चू आया है, जो पार्सल जैसे पैकेट था वैसे ही है, अभी उसका अनबॉक्सिंग मैंने नहीं की, तो वो एकदम डिरेक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मतलब उसका एक अलग से वीडियो बना लूंगी। तो सबसे पहले मैं बताऊं आप लोगों को, आज से 2 महीना पहले एक यूट्यूबर है, बहुत फेमस है, नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, ठीक है, कंट्रोवर्सी में मुझे नहीं पड़ना है। तो उनका साड़ी का मतलब शॉप है, अभी तो 2 बन चुकी है, तो वो लाइव भी करती है और शॉप भी है। तो उनका लाइव देख के मैं ये साड़ी बुक की थी, बट ट्रस्ट मी, मैं ये रेड कलर बुक नहीं की थी, पिंक कलर बुक की थी, पिंक एंड येलो का कॉम्बिनेशन था, ठीक है। बट मुझे भेज दिया गया है रेड एंड आपका येलो का कॉम्बिनेशन, एक हुआ रेड येलो मेरे पास है ऑलरेडी, रेड येलो मैं क्यों लू, पिंक रानी पिंक था एंड येलो का कॉम्बिनेशन था, इसलिए मैं ली थी कि पूजा के एक दिन पहनूंगी। तो हुआ एक नंबर। दो नंबर है ये सेम साड़ी दूसरे जगह पे कम प्राइस में मिल रहा है, ये लोग ज्यादा प्राइस पे सेल कर रहे हैं, बट मेरा है ना, मतलब लाइव में दिखा रही थी और कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लग गया था, तो मैंने इंस्टेंट बुकिंग कर ली, पेमेंट भी कर दी, सब कर दी। आने के बाद जब ओपनिंग वीडियो, पहले मैंने उनको बोला कि मेरा कलर ये क्यों आया, रानी क्यों आया, फिर मुझे बोला गया कि आपके पास ये है ओपनिंग वीडियो है तो दीजिए, बंगाली है, ठीक है, बंगाली है, बंगाली ब्लॉगर है, यूट्यूबर है। तो फिर मैंने ओपनिंग वीडियो दिया, उसमें दिख रहा था रेड एंड आपका येलो, तब उनके पास तो बोलने का कुछ है नहीं। तब मुझे वो लोग बोले कि यहाँ पर तो बहुत सारा लाइट मतलब ऑन रहता है, साड़ी का शॉप है, इसीलिए कलर फोन में अलग दिख रहा है और आपके पास रियल में अलग दिख रहा है। तो जब मैं कंफर्म की पेमेंट की, तब उनको बोल देना चाहिए था ना कि ये रेड येलो है, तब तो बोलना नहीं चाहिए था कि पिंक एंड येलो का कॉम्बिनेशन है। तो मैं बहुत ज्यादा मतलब डिसअपॉइंटेड हो गई थी, ये वाला साड़ी मतलब फेंक के रखी थी, ऐसी हालत है। बट अभी मैं सोच रही हूँ बना ही लूँ, एक दिन पहन लूंगी, क्या करूँ। और साड़ी का क्वालिटी बहुत खराब है, बहुत ही खराब है, मतलब ये जो जरी है ना, एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी का जरी है, हाथ में लग रहा है, चुभ रहा है पूरा मेरा, ये यहाँ से साड़ी से लग रहा है, हाथ से चूड़ी से, ये देखिए यहाँ पे खींच जा रहा है थ्रेड, ये देखिए खींच गया अभी, ये देखिए दिख रहा है, एकदम ही गंदा क्वालिटी का साड़ी है। बट अभी मैं ब्लाउज बनाऊंगी, एक दिन पहनूंगी, तो पूजा में एक दिन तो पहन ही सकती हूँ, एक दिन पहन के निकल जाऊंगी पूजा देने के लिए, साड़ी पहन के मैं घूमने नहीं जाती हूँ। फोन में देखिए उतना समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे ही मुझे लगा था अच्छा होगा, बट ट्रस्ट भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसका ब्लाउज बनाऊंगी, फॉल्स पिको नहीं कराऊंगी, और फिर ये देखिए मेरा तो मतलब हो गया जिंदगी का फर्स्ट एंड लास्ट इनका शॉप से मतलब साड़ी लेना हो गया। और ये जिस तरह से मतलब इतने मीठे मीठे करके मतलब बात करती है, ऐसा लगेगा कि बाप रे कुछ नहीं है, बेकार बेकार क्वालिटी सेल करती है, इससे ज्यादा ये तो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल का प्राइस आपका 10,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 आप जितने ले सकते हैं। मैंने सोचा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, लेते हैं। ये देखिए गंदा, पूरा गंदा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बट कल मैं जाऊंगी ये करने के लिए, कल या परसों, तो कल इवनिंग को ही जाऊंगी, नहीं तो 7 दिन में साड़ी थोड़े ही ना देगा। तो ये हुआ, ये पहले मैं ली थी, उसके बाद मैंने ये वाला साड़ी ली थी, जिनी थी, तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, ये देख लीजिए फिर भी एक बार, सब कोई अगर मिस किए है तो देख लीजिए। तो सेकेंड में ये वाला जिनी जो ऑर्डर की थी, ये वाला ली थी आपका, जाल वॉक में है ये वाला, और इसका बॉर्डर अलग है, देखिए
इसका लीफ लीफ जैसा बॉर्डर है ये वाला जिमीजू का, और ये पर्पल कलर में है। और इस साल तो पर्पल कलर मतलब ट्रेंड में एकदम इन है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वेट लूज नहीं कर पाई, जिस कारण की वजह से मैं इसका ब्लाउज नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वेट लूज अगर नहीं होगा क्या, हाँ मतलब क्या लगेगा, अजीब लगेगा देखने में। तो है अभी मेरे पास, रहने दीजिए, देखूंगी अगर दिवाली के दिन पहनूंगी तो बनाऊंगी ब्लाउज, तो उस टाइम पे सोचूंगी, बट अभी पॉसिबल नहीं है। मैं मतलब ये पूजा के टाइम पे गर्मी भी रहता है, साड़ी पहन के बिल्कुल मैं चल फिर नहीं सकूंगी, और ये पहन के पूजा देने के लिए तो पूजा में ये साड़ी ऐसे ही फट जाएगा, पार्टीवेयर साड़ी है। तो ये एक ली हूँ जिमीचू, ये मैं दिखाई थी आपका इसमें पहले भी एक बार दिखा चुके, आप लोग देखना पुराना वीडियो। तो ये रहा, पूरा नहीं खोल रही हूँ, ये फोल्ड करने में बड़ा दिक्कत है, बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये है एक पर्पल कलर जो कि, और इसको बोल रहे हैं मैजिक पर्पल, मैंने नहीं सुना, वो जो सेल कर रही थी वही बोल रही थी इसका नाम है मैजिक पर्पल, ठीक है। और एक जिमीचू है, मतलब मैं जब जिमीचू खरीद रही थी ना, जिमीचू के लिए पागल हो गई थी, और एक जिमीचू मैंने लिया है। तो ये है आपका टिल ग्रीन कलर, टिल ब्लू नहीं है, टिल ग्रीन कलर है, देखिए ये। और एक है, आ रहा है समझ में, ब्लू नहीं है, ग्रीन कलर है। तो ये कुछ स्ट्राइप्स जैसा है इसका बॉडी, और ये है इसका आंचल, फुल बॉडी मतलब पार नीचे का बॉर्डर, ऊपर का बॉर्डर, फिर आपका पल्लू पोर्शन में ये वाला ये डिजाइन जाएगा। तो ये ग्रीन कलर है, इसको भी मैं नहीं खोलूंगी, क्योंकि खोलने से ही फोल्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फोल्ड नहीं कर पाऊंगी फिर, और इसका जो काटदाना है ना कहीं पर भी थोड़ा सा लग जाएगा तो अभी निकल जाएगा। तो ये रहा मेरा, और एक पहनने के बाद तो लगेगा, मतलब पता है मुझे बहुत सुंदर लगेगा, बट ये पहन के अगर मैं दिवाली में वो पटाखे वगैरह ये करती हूँ ना, खुद ही जल जाऊंगी, तो वो भी नहीं कर सकती, मतलब वो एक बार पहन के फोटो वोटो लेके फिर खोल देना होगा अगर मैं बनाई तो। बट मैं तो वेट कर रही थी वेट लूज हो जाएगा, बहुत अच्छे से अच्छा अच्छा ब्लाउज बनाऊंगी ये सोच के मैं ली थी। ये देखिए ये है, ठीक है, ये क्रिस क्रॉस है, ये लीफ है, और एक है वो अभी तक अनबॉक्सिंग नहीं की, वो ब्लैक कलर का है, टोन टू टोन, टोन टू टोन मीन्स होता है ये जैसे आपका व्हाइट ये है ना काटदाना, वो ब्लैक के ऊपर ब्लैक काटदाना का काम है। तो मुझे एक ब्लैक के, मुझे मैं इतना ब्लैक लवर हूं नहीं, फिर भी मैंने एक ब्लैक लिया है, ब्लैक के ऊपर ब्लैक का काम है। तो अभी मैंने तीन साड़ी आप लोगों को दिखा दी, और आज जो पार्सल आया है, अभी जो मैं अनबॉक्सिंग की वो दिखा रही हूँ मैं अभी आप लोगों को। ये है एक, ठीक है, रेड व्हाइट तो मुझे एक चाहिए ही चाहिए, मतलब इसके दिन अष्टमी के दिन, तो ये वही है, देखिए ये जा रहा है साड़ी। ये फेसबुक में एकदम ये हो गया, ट्रेंड कर रहा है अभी, अभी क्या बहुत दिन से ट्रेंड कर रहा है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ले लेती हूँ, तो मैंने भी ले लिया है, और रेड व्हाइट चाहिए था, तो ये रेड व्हाइट है, पहनूंगी जब फोटो दूंगी, इसका ब्लाउज नहीं बनाऊंगी, प्लेन ब्लाउज है इसका, प्लेन है ना, किधर है वो भी तो नहीं दिख रहा है, ये ब्लाउज नहीं है, वो भी नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ब्लाउज है कि नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, पहनूंगी, रेड ब्लाउज देके पहन लूंगी मैं इसको, ठीक है। तो ये गया एक, कैसा लग रहा है, ये अच्छा लगेगा जब आप लोग गोल्डन ज्वेलरी रेड ब्लाउज देके पहनूंगी ना, अच्छा लगेगा ये वाला, ये देखिए अच्छा लगेगा, थोड़ा येलो का टच भी है यहाँ पे, ऑरेंजिश काइंड ऑफ टच है। तो ये पहनूंगी मैं अष्टमी के दिन, अष्टमी के दिन ये एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये एकदम कॉटन जैसा है, ठीक है, ये लिलन कॉटन है शायद, मुझे इतना पता नहीं है, तो ये एकदम सॉफ्ट है, तो जितना भी भीड़ हो पसीना हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसीलिए अष्टमी के दिन के लिए ये एकदम परफेक्ट है। तो हो गया, एकदम परफेक्ट कॉटन जैसा है। और एक लास्ट है पटोला, ये है पटोला, देखिए और क्या हो गया इसका, अरे बाप रे, ये तो ऐसे ही ये हो जा रहा है, देखिए खुल गया है ये वाला साड़ी, ये करते करते क्या बोले, जब मैं ये कर रही थी ना अनबॉक्सिंग कर रही थी, ओपनिंग वीडियो कर रही थी, तभी ये खुल गया, अंदर का जो पेपर है ये देखिए ये निकल गया। तो पटोला देखिए, ये मैं पहनने वाली हूँ दशमी के दिन, जब मैं सिंदूर खेलती हूँ उस टाइम पे, देखिए, और इसका ये करने की भी जरूरत नहीं है, ये देखिए बॉर्डर में ये बना हुआ है, तो ये भी रेड ब्लाउज के साथ मेरा चल जाएगा,
तो कोई इश्यू नहीं आएगा। ये भी रेड ब्लाउज के साथ मैं पहन सकती हूँ। और अभी भी अलमायरा खोल के मैंने चेक नहीं किया है कि जितना नया साड़ी है उसमें से कौन सा मुझे बनाना है। इसका फुल बॉडी है ऐसा चिकन करी। और मैंने जो बुक किया था ना, ये जो ब्लू वाला पोर्शन था ये मैंने ग्रीन बुकिंग किया था, ये ग्रीन था, ये वाला पोर्शन ग्रीन था पटोला का। बट समहाउ वो एक्सक्यूज जो दे रहे हैं मुझे, उन्होंने कहा कि ये ब्लू ग्रीन आया ही नहीं, ब्लू आया। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मुझे तो एक्चुअल चाहिए रेड व्हाइट का कॉम्बिनेशन, तो ये कुछ ऐसा लगेगा। ये भी रेड ब्लाउज के साथ आप पहन सकती हूँ मैं। रेड ब्लाउज अगर है तो देखना होगा, अब मुझे आएगा नहीं पुराना ब्लाउज। और इसका जो ब्लाउज पीस है ऐसे प्लेन है, तो ये वाला ब्लाउज तो मैं कदई नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। ब्लाउज बनाऊंगी तो बहुत अच्छा कुछ बनाऊंगी, तो मैं देखूंगी पुराना क्या है, यहां से निकाल लूंगी इसको मैं धीरे धीरे करके, तो ब्लाउज अलग हो जाएगा। और इसका भी स्टिचिंग की कोई जरूरत नहीं है, इसका भी स्टिचिंग की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ इस तरह के दिखेगा, देखिए जैसा। अब बाकी का तो मैं दिखाऊंगी पूजा में, मतलब कैसे दिख रही हूँ। देखिए रेड ब्लाउज के साथ पहनूंगी। और इस साल मैं हेयर स्ट्रेटनिंग भी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि हेयर को इस साल मैं रेस्ट दे रही हूँ कि हेयर मेरा थोड़ा सा रिकवर हो जाए। मतलब बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ का इश्यू हो गया है। तो आप लोग बताइए, सब बोलेंगे नहीं पता नहीं, कोई कोई तो बोल सकता है जिमी चू अच्छा लग रहा है, ये वाला जिमी चू या ये वाला जिमी चू, दो जिमी चू में कौन सा बेटर है आप लोग बताना। दोनों अलग कलर है, एक देखिए पर्पल एक है टील ग्रीन, तो दोनों का लुक भी अलग आएगा, तो कौन सा अच्छा है बताना। इसका तो मैं पूछने भी नहीं वाली हूँ कैसा लग रहा है, बट पहनने के बाद अच्छा लगेगा क्योंकि पूजा के टाइम पे जितना भी येलो हो रेड हो पहन के पूजा में अच्छा लगता है, अच्छा दिखता है। और ये तो बहुत ही सिंपल सा है, सिंपल है, बट ये देखना आप लोग जब मैं रेडी होकर आप लोग को दिखाऊंगी बहुत अच्छा दिखेगा। बेंगालीज और रेड व्हाइट कॉम्बिनेशन, ये मतलब अच्छा नहीं दिखेगा, हो ही नहीं सकता। और लास्ट वन है ये, और एक जो जिमी चू है बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी। ट्राईपॉड इधर उधर हो जा रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कौन सा साड़ी आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगा। इसका पर फुल बॉडी चिकन करी है, ठीक है, तो बताना कौन सा वाला सबसे। और ये साड़ी मुझे बहुत सस्ते में मिला है, बहुत मतलब लोग जो सेल कर रहे हैं उससे तो बहुत सस्ते में मिला है। तो साड़ी कैसी लगी, कौन सा साड़ी ये, अभी तो मैंने कितना दिखा है 1 2 3 4 5, सबसे बेस्ट कौन सा लगा आप लोग बोलेंगे ये वाला लगा। बट जिमी चू भी बहुत अच्छा है, देखती हूँ अभी क्या करूंगी, जिमी चू बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी मुझे नहीं पता, अलमारी भी खोल के देखूंगी कौन सा क्या बनाना है। तो साड़ी में से कौन सा सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पेज को फॉलो कर लेना, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो इस वीडियो को यही पे एंड करती हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए बाय, टाटा, गुड नाइट। रात को कर रही हूँ मैं शूट एक्चुअली, बाय। और हाँ कल महालया है, तो सबको हैप्पी महालया, शुभ महालया सबाई के, बाय सबाई के। चैनल टा पेज टा फॉलो और सब्सक्राइब होते भूले जाओ ना, ठीक है, चलो बाय, टाटा।